हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बैंक में एफडी करवाते हैं तो आरबीआई का ये नया नियम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आपको एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। 5 जुलाई 2021 को आरबीआई ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया था एफडी से रिलेटेड, जिसमें कि इन्होंने एफडी से रिलेटेड एक नया नियम लागू कर दिया था। अभी तक बैंक्स क्या करते थे कि अगर आपकी एफडी मैच्योर हो गई है और आप उसका पैसा क्लेम करने नहीं जाते हैं या फिर आप अपनी एफडी को रिन्यू करवाने के लिए नहीं जाते हैं, तो बैंक्स ऑटोमेटिकली आपकी एफडी को रिन्यू कर देते थे, जिससे कि आपको इंटरेस्ट रेट का नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन अब आरबीआई ने रूल चेंज कर दिए हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी एफडी मैच्योर हो जाती है और आप उसे क्लेम करने नहीं जाते हैं या फिर उसके लिए कोई दावेदार वहां नहीं जाता है या फिर आप उसको रिन्यू करवाने के लिए वहां नहीं जाते हैं, तो आपको एफडी के इंटरेस्ट पर नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन अगर हो जाती है तो आपको अपनी एफडी पर जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ना कि एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम 1 से 2 साल की एफडी करवाते हैं तो थोड़ा कम इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर आप लंबे समय की एफडीज बनवाते हैं, 5 साल की, 10 साल की या 15 साल की, तो उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। फिलहाल 5 से 6 के बीच में इंटरेस्ट रेट चल रहा है कोविड-19 की वजह से। और अगर सेविंग अकाउंट की बात करें तो सेविंग अकाउंट पर इस समय 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो अगर आप एफडी मैच्योर होने पर उसे क्लेम करने नहीं जाते हैं तो उस समय सेविंग अकाउंट पर जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा 2% का या 2.5% का, उसी हिसाब से आपको अपनी एफडी पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए अब आपको अपनी एफडीज का पूरा लेखा जोखा रखना पड़ेगा कि आपकी कौन कौन सी एफडीज कब कब मैच्योर हो रही हैं। जैसे ही आपकी एफडी मैच्योर होती है, आप बैंक में जाइए, अमाउंट को क्लेम कर लीजिए या फिर अपनी एफडी को रिन्यू करवा दीजिए। अगर आप नहीं जाएंगे बैंक में, आप उसके लिए कोई भी दावा पेश नहीं करेंगे, तो बैंक आपको सेविंग अकाउंट के हिसाब से ही इंटरेस्ट लगा देगा। या फिर अगर एफडी का इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से भी कम चल रहा होगा उस समय, तो दोनों में से जो भी कम होगा उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि एफडी का इंटरेस्ट उस समय चल रहा हो 3% का और सेविंग अकाउंट का चल रहा हो 3.5% का, तो जो भी कम है, 3% कम है, तो आपको 3% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इसी तरह से वाइसी वर्सा, अगर सेविंग बैंक का अकाउंट कम चल रहा है, 2% चल रहा है, और एफडी पर रेट चल रहा है 5% का, तो जो भी कम होगा, सेविंग अकाउंट का कम है 2%, तो आपको 2% के हिसाब से एफडी पर रेट दिया जाएगा। 5 साल वाली एफडीज पर आपको 80C के अंदर डिडक्शन भी मिल जाता है, साथ ही आप एफडीज पर लोन भी ले सकते हैं। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि किसी को भी एफडीज के इंटरेस्ट का नुकसान ना उठाना पड़े। जैसे ही आपकी एफडी मैच्योर होती है, आप बैंक में तुरंत जाइए, उसे क्लेम करिए या फिर उसको रिन्यू करवा दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।